in the 2 minutes. Good evening, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. In the last class, we were doing. Yes, ma'am. Recruitment. Yes, ma'am. Switch on your cameras. मैम मेरा आज बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है। Switch on your cameras, everyone. In the last class, we were doing recruitment. We studied internal recruitment and we studied external recruitment. I asked you that there was one thing that I would explain in the next class related to recruitment, which is often a very confusing question that what kind of recruitment is internal referral supposed to be? Employee referral supposed to be. Can someone tell me what is employee referral? Koi bata sakta hai ki employee referral kya hota hai? Can you just guess what is employee reference? Employee के reference में बात किया जाता है. Employee के reference में. Yes. Employee के reference में क्या बात की जाती है? किस लिए? Employment के लिए मैम. Good. Employment के लिए बात होती है. This is what is called employee reference. जैसे जैसे कॉलेज में आपको बोला जाता है ना कि देयर इज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू टेक एडमिशन टू ग्रेजुएशन डिग्री टू अ ग्रेजुएशन कोर्स यू कैन रेफर देम एंड द कॉलेज विल कंसिडर एंड ट्राई टू कन्वर्ट योर रेफरेंस ओनली इफ द रेफरेंस इज गुड ऐसा होता है Yes, the college asks you कि आप reference दे सकते हैं वैसे लोगों का जो कर रहे हैं course जो करना चाहते हैं course intermediate के बाद and try to bring them to Simej College and then in the case कि आपका reference जो बताया गया है वो अच्छा है competent है तो वो लोग आपको reward करेंगे या किसी तरीके से incentivize करेंगे या फिर they will thank you whatever the case be. The same thing is known as employee referral. बहुत जगह बहुत सारे organizations में recruitment का एक बहुत important good afternoon बहुत जगह बहुत सारे organizations में recruitment का एक method ये भी होता है कि employee referral है ठीक है employee referral employee ये हमेशा ध्यान रखना कि employee referral is an internal source of recruitment okay employee referral is always an internal source of recruitment and why is this so क्यों employee referral internal source है
क्योंकि कंपनी का कोई इंटरनल एम्प्लॉय ये रेफर करता है मैम। एक रीजन वो भी है कि इंटरनल एम्प्लॉय रेफर करता है। देखो होता ये है, जैसे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक स्कीम है उनकी जिसको कहते हैं माय बडी, ठीक है, टीसीएस में है ये ऑप्शन, जहाँ की जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक स्कीम है जिसको कहते हैं माय बडी। माय बडी का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो रेफर करते हैं अपने किसी फैमिली मेंबर को या अपने किसी फ्रेंड को फॉर वेरियस वेकेंसीज दैट आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग क्या करते हैं, एक डेटाबेस बना होता है जो एम्प्लॉय रेफरल से लोग आते हैं, और अगर उनके बताए हुए रेफरेंस का सिलेक्शन होता है तो उनको फाइंडर्स पीस मिलता है। इसको कहते हैं फाइंडर्स पीस, यानी उनको कुछ कैश बेनिफिट दिया जाता है। समझ में आया मैम? इसको रिवार्ड नहीं कर सकते हैं मैम? नहीं, इसको रिवार्ड नहीं कह सकते, ठीक है। दिस इज एम्प्लॉय रेफरल, रिवॉर्ड जैसा है बट इसको रिवॉर्ड नहीं कह सकते। रिवॉर्ड इज फॉर समथिंग दैट यू हैव रियली अचीव्ड योरसेल्फ, दिस इज अ प्रोविजन। ये एक तरीके का इंटरनल रिक्रूटमेंट है। दूसरी चीज, इंटरनल रिक्रूटमेंट का क्या फायदा हो सकता है, तुम ये बताओ, सोच के बताओ। इंटरनल रिक्रूटमेंट एज अ प्रोविजन क्यों ऐड किया गया मैम? कि क्योंकि इसका जो भी एम्प्लॉय होगा वो अपने कंपनी के बारे में जानता होगा मैम, कि क्या इसमें कैसे इसका सैलरी टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता है, जो भी स्पेशलिस्ट जो भी होता है कंपनी के बारे में, उससे बेहतर कौन जानेगा मैम इसके लिए। सुंदरम, यस मैम, स्विच ऑन योर कैमरा सुंदरम, व्हेन यू आंसर एट लीस्ट देन यू शुड स्विच ऑन द कैमरा, नो, इट मेक्स द क्लास इंटरएक्टिव। यस, your answer is 100% correct, okay, and exactly for the same reason internal recruitment ko promote kiya jata hai, kyunki jab aap kisi, jaise aap kisi company mein kaam kar rahe hain aur wahan par jo manager hai wo aapko ye bol raha hai ki tum kisi aur bande ko lekar ke aao jo yahan par kaam kare, theek hai, jab tum kisi apne ko approach karoge to wo tumse puchega na ki kaisi hai company, सैलरी टाइम पे मिलता है कि नहीं, ये फैक्टर है। दूसरा, वहां का वर्क कल्चर कैसा है, राइट, वहां का वर्क कल्चर कैसा है, वहां का सुपरविजन कैसा है, वहां पे ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स कैसा है, यही सब रीजन से ये कहा जाता है कि व्हेन यू आर प्रमोटिंग इंटरनल रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉय रेफरल, अ पार्ट ऑफ द वर्क कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू द पर्सन यू आर ब्रिंगिंग। तुम उसको पहले से ही बता के रखते हो ना, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, ठीक है, अच्छा बुरा दोनों। इसलिए एम्प्लॉय रेफरल इंपॉर्टेंट होता है और ये इंटरनल फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट है, ठीक है। नाउ डिस्कस, सबको इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आया? यस मैम, यस मैम, यस मैम। दोनों फॉर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अपने ही एडवांटेज है और अपने डिसएडवांटेज है। पहले किसके बारे में डिस्कस करें हम लोग? लेट्स डिस्कस इंटरनल रिक्रूटमेंट फर्स्ट, ठीक है। इंटरनल रिक्रूटमेंट का एडवांटेज क्या होगा बताओ? एम्प्लॉयज अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा इसका और क्या नुकसान होगा? मैम कंपनी को बेनिफिट, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिक्रूटमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन करती है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कैसे बेनिफिट होगा और ये कैसे नुकसानदेह होगा? एक्सपेंस कम होगा, एक्सपेंस कम होगा, एडवांटेज में, ठीक है, जो भी है जो, लाने में जो भी है। लिखो ये पॉइंट, लिखो, राइट डाउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। एडवांटेजेस में लिखिए, लेस कॉस्टली या इकोनॉमिकल,
सेकंड पॉइंट बताइए और क्या इसका एडवांटेज हो सकता है इंटरनल रिक्रूटमेंट का? मैम कंपनी डेवलप होगा। कैसे? ये बहुत वेग आंसर है। क्योंकि मैम एक्सपीरियंस वाला आदमी उसमें ना आएगा काम करने, इसलिए तो उसका डेवलप होगा कंपनी का। तो वो तो बाहर से भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कंपनी ने ये निकाला कि 5 साल एक्सपीरियंस अगर तुमको चाहिए तो 5 साल का रिक्रूटमेंट बाहर से कर लो, और ऐसा होता है। टाइम का भी बचत होगा मैम। टाइम का बचत ठीक है, इकोनॉमिकल जब तुम लिखे तो वो बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बताओ, नेक्स्ट बताओ पॉइंट, कुछ आ रहा है दिमाग में? मुस्कान देखो, नहीं आ रहा है समझ में। पहला पॉइंट तुमने बता दिया कि लेस दिस इज इकोनॉमिकल बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। दूसरी चीज, अगर ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तुमको 3 साल हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते, अब जब तुम्हारी बारी आई प्रमोट होने की तो द ऑर्गेनाइजेशन हायर्ड समवन फ्रॉम आउटसाइड। मान लो तुमको मैनेजर प्रमोट करना है और उसने मैनेजर किसी और कंपनी का, मान लो तुम बिग बाजार में काम कर रहे हो और फ्लिपकार्ट का कोई एक्सपीरियंस बंदा है मैनेजर पोस्ट पे, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको हायर कर लिया, क्या इससे तुम्हारा मोटिवेशन डाउन नहीं होगा? डाउन होगा। तुम ये फील करोगे कि यू हैव वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years और समथिंग, यू हैव गिवन सो मच कमिटमेंट एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एट द टाइम ऑफ रिवॉर्डिंग मी इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशंस और इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन बेसिकली, द ऑर्गेनाइजेशन इज हायरिंग फॉर द हायर पोस्ट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपका जॉब कमिटमेंट और मोटिवेशन कम हो जाता है, ठीक है? एक और फैक्टर देखो, जब प्रमोट करना है द ऑर्गेनाइजेशन, द हायर अथॉरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑब्वियसली नो बेटर अबाउट यू पीपल, आई मीन यू इन द सेंस कि जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं इंटरनल एम्प्लॉयज, उनके बारे में ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है ना, इन कंपेरिजन टू दोज हु कम फ्रॉम आउटसाइड, राइट? देन दैट वे ये भी होता है कि उनके स्किल्स को, उनके कमिटमेंट को ऑर्गेनाइजेशन जो अंदर जो लोग होते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं इन कंपैरिजन टू द पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है? लिख लो उसको, ये दोनों पॉइंट पे लिख लो, एडवांटेज बाद में कभी कॉपी पलट के देखना, ध्यान रहेगा। राइट डाउन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज बेटर नॉलेज, the organization has better knowledge about the internal candidate in terms of his skills and knowledge in terms of his skills and knowledge than the one than the one who are acquired from outside. Than the one who are acquired from outside. Next point. An organization's policy of promoting from within the organization
results in higher employee commitment and job satisfaction. Results in higher employee commitment and job satisfaction. Done? Yes, ma'am. अब इंटरनल जो चीजें होती हैं, इंटरनल जो रिक्रूटमेंट है, इसका डिसएडवांटेज बताइए. ये तो आपने एडवांटेज डिस्कस किया, व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेज? मैम अनस्किल्ड एम्प्लॉइज आना मैम एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉइज. तुम डायरेक्ट ठीक कर रहे हो, बट थोड़ा सा इसको रिफाइन करके बोलो. मैम अगर कहा जाए तो मैम कि बिना एक्सपीरियंस का आएगा मैम कि पता मेरे रेफरेंस अगर कोई आता है मैम तो हम उसको जॉब के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार लाएंगे मैम कि तुमको जॉब करना है मैम. सुंदरम लेकिन See, this is not always the case. If the organization इतनी बेवकूफ नहीं होती है, अगर उसको 5 साल skilled चाहिए तो वो बाहर से भी 5 साल skilled ही demand करती है. अब तुम इस comparison में बताओ, वो internal भी अगर लोगों को लेती है तो 5 साल के experience उसको चाहिए अगर, तो वो अंदर से भी 5 साल वाले को ही लेगी और बाहर से भी 5 साल वाले को ही लेगी. लेकिन अगर लेगी तो उसका क्या demerit होगा, disadvantage क्या हो सकता है? मैम प्रमोशन ऑफ नेपोटिज्म. वेरी गुड. हु सेड दिस? यस मैम साक्षी. वेरी गुड. जब सिर्फ नेपोटिज्म ही नहीं, फेवरेटिज्म भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो लोग प्रमोट होंगे, तो कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के या जो लोग आपको रिक्रूट किए हैं या जो लोग आपके इमीडिएट बॉस हैं, सुपरवाइजर हैं, उनके आप फेवरेट भी हो सकते हैं. होते हैं ना लोग. You find yes, that ma'am. There is a lobby in the work, lobby at the workplace also. This thing cannot be denied. So in that case, if the favoritism things happen, तो हो सकता है कि जो really deserving candidate है उसको promotion ना मिले. Right? Yes. Write down this point. This is a valid point. उसने बोला. Favoritism can come into picture. इसको थोड़ा और इलैबोरेट करके ये भी लिख सकते हो, ये भी इसके साथ जोड़ दो कि पॉलिटिक्स में आकर ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, पॉलिटिक्स में आकर ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट. देखो एक और एग्जांपल लेके हम तुमको बताते हैं. सपोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेकर के ही इस एग्जांपल को समझो. सपोज इन सिमेज कॉलेज इफ ऑल द टीचर्स हु जॉइंड ओनली दे रिमेन्ड टिल द एंड, देयर वाज नो फ्रेश रिक्रूटमेंट, देयर वाज नो लीविंग ऑफ जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर वाज नो कमिंग ऑफ न्यू टीचर इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होता है इससे ये बताओ. कोई नया टीचर नहीं आता, जिनका इस कॉलेज, ये कॉलेज खुलते टाइम पे जो टीचर्स थे उनको ही प्रमोट करते जाते, चलो इसी से तुम लोग बताओ, उनको ही प्रमोट करते जाते. देयर हैड बीन नो न्यू टीचर इन द ऑर्गेनाइजेशन, नो गोइंग ऑफ टीचर, नो कमिंग ऑफ न्यू टीचर. इसका कोई नुकसान बताओ. एडवांटेज तो तुमने बताया इंटरव्यू प्रमोशंस का, नुकसान भी कोई होगा इस चीज का? अपने अपने सब्जेक्ट के हैं तो कॉलेज या स्कूल में उतना ही पढ़ाया जाएगा. जो अगर मार्केट में करेंट
Have you studied this point? Yes, ma'am. Have you studied this recruitment and selection before? मैम उसके बाद तो न्यू जो भी मार्केट में भी जो भी मांग है जैसे कि कंप्यूटर रिलेटिव जो भी कोर्स है तो ये तो पता नहीं होगा मैम, तो इससे भी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सी दिस इज द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग यू विद वर्कशॉप। इतनी भी अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों की डेवलप करती है ना इन सब चीजों के बारे में, देन आई रियली फील गुड अबाउट टेकिंग क्लासेस। So I don't know if you have read it earlier somewhere, but the answers coming are really good this time. बिल्कुल सही कहा तुमने, ये बहुत major disadvantage होता है internal recruitment के time पे। क्या होता है कि जो अंदर के लोग हैं, जो जानते हैं, बस उतना ही जाने रह जाएंगे ना, right? There is no fresh idea, no new skills। हो सकता है तुम लोगों को बाहर से कोई टीचर आए और वो अपने सब्जेक्ट को या जो तुम पढ़ रहे हो ऑलरेडी ही उसको प्रेजेंट करने का कोई नया तरीका लेके आए अपने साथ, जो ज्यादा अच्छा हो, तुमको ज्यादा समझ में आए, राइट? तुम पहले भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे लेकिन लेटर ऑन यू कैन कनेक्ट विद द सब्जेक्ट इवन बेटर, ज्यादा वाइड एंगल से आपको वो सब्जेक्ट समझाया जा रहा है। इट इज बिकॉज A new blood has been introduced in the organization. New skills and new blood. इसको कहते हैं new blood का मतलब new skills has been introduced in the organization. जो अपने साथ नए skills, नया knowledge और नया ideas लेके आते हैं काम करने का. Okay? So it leads to diversity. Write down this point. Absolutely correct, Sundaram. Write down. The new people bring creative problem solving skills. The new people bring creative problem solving skills and new talent is needed for fresh ideas and new talent is needed for fresh ideas which is not possible with the old employees. Which is not possible with the former employees, their old employees. Now we come to external recruitment. External recruitment का advantage और disadvantage, heading दीजिए। External recruitment, advantage and disadvantage. Discuss it, बताइए points दीजिए। What are the uses of benefits of new skills? External recruitment. जो जो internal recruitment का disadvantage होगा वही तो external का advantage होगा, right? लेकिन मैम different भी हो सकता है ना मैम। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। External में मैम external में कि जो भी आएगा जो भी फॉर्म भरेगा कंपनी का तो उसमें एम्प्लॉइज का संख्या ज्यादा होगा ना मैम, एक्सटर्नल में कम होगा क्योंकि जो भी रेफरेंस से आएगा ना तो एक डिफरेंट होगा उससे। नहीं एक रिपीट इट सुंदरम मैम, जो भी कंपनी में एम्प्लॉइज है पहले से है उसके रेफरेंस से जो भी बाद में आएगा तो इसका संख्या कम होगा मैम, और जो बाहर इंटरनल रिक्रूटमेंट सिर्फ रेफरेंस से नहीं होता है। एम्प्लॉय रेफरल इज वन टाइप ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, है ना? इंटरनल रिक्रूटमेंट का वर यू देयर इन द लास्ट क्लास? नो मैम, नो। लास्ट क्लास में ये डिस्कस किए थे। और भी इंटरनल रिक्रूटमेंट का टाइप्स क्या है, जैसे प्रमोशन, जैसे ट्रांसफर, जैसे
एक्स एम्प्लॉइज, फॉर्मर एम्प्लॉइज। आपने आपने ये देखा है कि बैंक वगैरह में जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको भी किसी काम से, मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई रिटर्न वर्क या ऐसा कुछ है तो दूसरे को प्रेफर करने के बदले अपने ही एम्प्लॉइज को वो लोग कॉल करते हैं कि हम पैसा फिर से हायर कर लेते हैं। हाँ, रीहायरिंग, ये जानते हो ना, इसको भी इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं, जहाँ पे आप एक्स एम्प्लॉइज को बोल रहे हैं कि आप आकर काम कीजिए। उसके जगह वो बाहर से भी हायर कर सकता था, लेकिन बाहर से अगर हायर करता तो उसको उतना प्रोसेस समझाने में बहुत टाइम चला जाता कि अंदर कैसे काम होता है। एक्सपीरियंस नहीं मिलता। हाँ, एक्सपीरियंस नहीं होता उसको। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का जो एम्प्लॉय रेफरल है वो जस्ट एक टाइप है, उसके अलावा प्रमोशन से ट्रांसफर। मान लो तुम पटना में काम कर रहे हो, ठीक है, तुम पटना में काम कर रहे हो, तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह दिल्ली हेडक्वार्टर में खाली है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं सोच सकती है कि पटना इज ओवर स्टाफ्ड और ये लड़का अच्छा काम कर रहा है तो इसको हम उठा के यहाँ से ट्रांसफर करके और दिल्ली हेडक्वार्टर में पोस्ट कर देते हैं। ये भी तो एक तरीके का इंटरनल जॉब वैकेंसी फिल करने का तरीका है ना, ट्रांसफर। यस मैम। प्रमोशन, बैंक में पीओ प्रमोट तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी होता है और क्लर्क भी 3 साल बाद पीओ प्रमोट हो जाता है। जब क्लर्क प्रमोट होता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं। यस मैम। अब समझ में आया? यस मैम, एग्जाम के थ्रू होता है। सो नाउ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एडवांटेज में क्या होगा, वही चीज की न्यू स्किल्स आएगा, न्यू एफिशिएंसी। हाँ, न्यू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नहीं, हु सेड दिस, आई थिंक मुस्कान, मुस्कान, एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस मालूम है आप लोग को? यस मैम मालूम है। अदर्स? यस मैम। एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी तो तुम्हारी अपनी कैपेसिटी है काम करने की, नॉट दैट। न्यू स्किल्स, न्यू टैलेंट, तुम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हो तो तुम्हारा अलग वर्क एक्सपीरियंस है, कोई और अगर एबीसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसका अपना एक्सपीरियंस है। सो व्हेन यू आर रिक्रूटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे तुम बीएचईएल में काम कर रहे हो और तुमको ओएनजीसी रिक्रूट कर लिया, तो बीएचईएल में एक अलग वर्क कल्चर होगा काम करने का। तुम जब ओएनजीसी जाओगी तो तुम अपने साथ वो कल्चर भी तो लेके जाओगी ना। यस मैम, यही बात है। So write down the first point. Benefits or advantage में लिखिए. Advantage of external source of recruitment. Point number one. Benefits of new skills. Benefits of new skills, new talent, and new experience to the organization. And new experience to the organization. Second point, it provides the organization with It provides the organization with new perspectives and new ideas. It provides the organization with new perspective and new ideas. Next. Achha, dekhiye. जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर तो ये मैंडेटरी है ना कि उसको रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करनी है। यस मैम। ये सब समझते हैं आप लोग? यस मैम। ये जितना परसेंट रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में, और जितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट ने जिसके लिए फिक्स करके रखा है वो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करना ही करना है। ये समझते हैं आप लोग? Yes, ma'am. In that case, अगर सिर्फ इंटरनली ही कैंडिडेट प्रमोट होता चला जाएगा और एक्सटर्नल प्रमोशन नहीं होगा
तो क्या ये रिजर्वेशन पॉलिसी से कंप्लायंस करना हुआ? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होगा ना मैम रिजर्वेशन पॉलिसी? ओनली गवर्नमेंट? नो, नॉट प्राइवेट बॉडीज आर नॉट फोर्स टू कंप्लाई विद रिजर्वेशन पॉलिसी. तो जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है तो रिजर्वेशन पॉलिसी का भी कंप्लायंस होता है. राइट डाउन, कंप्लायंस विद रिजर्वेशन पॉलिसी ऑल्सो बिकम्स ईजी. Compliance with reservation policy also becomes easy. Next point, scope of biasness and jealousy is also reduced. Scope of biasness and jealousy is also reduced. Scope of biasness and jealousy is also reduced. Now come to the disadvantage of external recruitment. क्या क्या होगा डिसएडवांटेज? बताइए. अभी तो बताया आप लोगों ने, क्लास में इंटरेक्ट कीजिए. एक्सपेंसिव. हाँ, इट इज एक्सपेंसिव. लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज costly, yeah, expensive. Next point, better morale and motivation associated with internal recruitment is denied. Better morale and motivation associated with internal recruitment is denied. Next point, adjustment of new employees to the organizational culture takes a longer time. Done. और देखो, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस कितना भी अच्छा हो, ठीक है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस कितना भी अच्छा हो, देयर इज नो फूल प्रूफ मेथड. ये चांस रहता है हमेशा कि हो सकता है कि इतने सारे राउंड्स ऑफ स्क्रीनिंग के बाद भी आपका जो एम्प्लॉय सिलेक्ट होकर के आया है, मे बी यू हैव सिलेक्टेड एन अनफिट एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करने के बाद ही किसी भी एम्प्लॉय का असली एप्टीट्यूड पता चलता है. लेकिन इंटरनली जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको आप पहले से जानते हैं. तो ये भी एक डिसएडवांटेज काइंड ऑफ होता है, लेकिन उसका एडवांटेज भी है कि रिजर्वेशन की पॉलिसी से कंप्लायंस करना जरूरी है क्योंकि ये गवर्नमेंट का है गाइडलाइंस. और फ्रेश ब्लड और फ्रेश आइडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्पेशली जब आप हायर पोस्ट की बात करते हैं तब आप देखिएगा कि जीएम लेवल या सीनियर मैनेजर इस टाइप के लेवल पे भी लोगों का रिक्रूटमेंट बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से होता है ताकि
उनका नया स्किल्स जो है या नया सोचने का तरीका ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर सके पहले से हो रहे वर्क कल्चर को, क्योंकि मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से काम हो सकता है. देर आर मोर देन वन वर्कएबल अप्रोच टू अ प्रॉब्लम एंड देर आर ऑलवेज बेटर प्रैक्टिसेस टू गुड प्रैक्टिसेस. ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सिलेक्शन. ओके, चलो.